देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं उषा भार्गव, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन में। 2024 लोकसभा और आगामी निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ सभाएं ले रहे हैं, जिसके जरिए पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूती मिले, इन तमाम चीजों पर मंथन किया जा रहा है। इसके लिए मंत्री संजय निषाद के आवास पर बाकायदा राजनीति की पाठशाला का आयोजन भी किया गया। इस पाठशाला में प्रदेश भर के दूर दराज से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर भागीदारी ली। साथ ही संजय निषाद के साथ 2024 चुनाव में पूरे दमखम के साथ जीत दिलाने की जमकर हुंकार भरी। इस पाठशाला के दौरान प्राइम टीवी से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, फिर चाहे वो आगामी निकाय चुनाव 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ हैं। सर, आज यहाँ पाठशाला चला रहे हैं, प्रदेश भर से कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह की शिक्षा इन्हें दी जा रही है? ये पाठशाला नहीं है, कार्यशाला है जी। और कार्यशाला में कार्यशैली बदली जाती है, क्योंकि ये सपा बसपा कांग्रेस सब पार्टियों में रहते हुए इनकी कार्यशैली ऐसी बदल गई कि खुद अपना सत्यानाश करा लिए, उनको हीरो बना दिया, अपने जीरो हो गए। तो अगर उनकी कार्यशैली वही रहेगी तो फिर जीरो हो जाएंगे। तो अब चाहते हैं कि वो जितने इनको जीरो बनाने वाले हैं, वो हीरो बनने वाले, वो जीरो हो जाएं, बल्कि ये हीरो हो जाएं। तो इनकी कार्यशाला में कार्यशैली बदलने के लिए इन्हें पूरा का पूरा राजनीतिक ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि कहा, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास जो होती राजनीति की माँ होती, तो इन्हें इतिहास की जानकारी दिया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास की जानकारी दिया जा रहा है, पिछली सरकारों ने कितना इनके साथ अन्याय किया वो दिया जा रहा है, हमारी सरकार आ रही है इनको क्या दे रही है कंपेरिजन किया जा रहा है, और आगे राजनीति में रहेंगे तो वो कहा जा रहा है कि सभी एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सबकी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो इसलिए इनको एक प्रोग्राम बनाया है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। ये पढ़े लिखे लोगों को गाँव में जाके पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, इनको गाइडलाइन, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही महान होता है और अनुशासित व्यक्ति ही जो कैडर होता है वही समाज का जो है दिशा दे सकता है। तो कैडर ये कैडराइज किए जा रहे हैं, इनको एक अनुशासन में रखा जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है कि आप अपने इतने 9 साल के आपने सफ़र में कितना प्राप्त किया है, शुरू से क्या किया, अब तक कितना मिला है, और ये गौरव का विषय इन लोगों ने कहा नहीं, बहुत कुछ मिला है, आगे बहुत कुछ मिला है। सर, एक दशक में विधानसभा में आपके 11 सदस्य हैं, अभी बात की जाए तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारी है, कितनी सीटों पर लड़ने की बात चली, इसमें कुछ बातें हो रही हैं? देखिए, हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए तैयारी करते हैं। और आपने देखा सपा बसपा एक हो गए 2019 में, फिर भी मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ और जीत हुए। तो हम लोग 80 सीटें तैयारी करते हैं, न कमल अलग है, न भोजन भरी थाली अलग है। हम लोग भगवान राम और निषाद राज की उस भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए आए हुए हैं और उसके लिए हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और नगर निगम का भी चुनाव है, इसमें जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ चुनाव जीत सकते हैं उनको तैयारी किया जा रहा है, जहाँ लड़के जीत सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखे हैं कि वो इन्हें सीट देगी या जीत लेगी। आलू को लेकर सियासी घमासान तेज है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आलू सरकार बदलेगी, क्या सोचते हैं इस बयान पे? वो आलू पर रहेंगे, लेकिन समाज चालू हो गया है और ये जनता चालू हो गई है, तो चालू आदमी अपनी सरकार बनाती है। तो जनता ने सबको बदल दिया है और चालू है, चालू हो गई, इसलिए चालू हो गई। तो देखो, दो बार में भारतीय जनता पार्टी को लाई, दो बार में मोदी जी को लाई, फिर लाएगी, क्योंकि वो जान गई है कि ये लोग जब इनकी कथनी करने में अंतर है और भारतीय जनता पार्टी जो NDA है वो जो कहती है वो करती है। आखिरी सवाल, बीते दिन आपने निरीक्षण किया था, अधिकारी नदारत नजर आए, क्या बदलाव आएगा और आपके इसे निरीक्षण से? निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर काम करता, समय से वो समय पर योजनाओं को लाभ पहुंचाता है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अधिकारी समय से आए और समय पर काम करें, उनके लिए कुछ को हिदायत दी गई है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई की गई, कुछ का वेतन काटे। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही हम जब से राजनीति में आए हैं अपने समाज के लिए बेहतरी किए हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभान सुप्रीम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में आलू की खरीद को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आलू के मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है। पूरे देश का 35% आलू उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। सरकार उचित मूल्य के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, जिसके लिए आलू क्रय केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश का कुल उत्पादन आलू का 35% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। 2017 तक 6,14,000 हेक्टेयर तथा 2022 में 6,94,000 हेक्टेयर आलू का उत्पादन क्षेत्रफल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आलू किसानों को कि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो वातावरण बना है, जिसमें सब लोग कुछ न कुछ चार कदम आगे चल रहे हैं। हमारे आलू किसानों ने भी प्रयास किया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम आलू का करें। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पहले से बेहतर किसानों ने आलू उत्पादित किया है। अब जो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उनके उत्पादन का भंडारण अच्छे से हो जाए, कोई किसानों का अहित ना होने पाए, मूल्य भी उनका उचित मिल जाए, इस ओर सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। वहीं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत करी। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बनी चुकी हैं और ये सियासी सरगर्मियां फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आलू उत्पादन लागत और खरीद पर लगातार सियासत जारी है। अखिलेश यादव कहना है कि आलू सरकार गिराएगा। सरकार कह रही है कि आलू को निर्यात करने से लेकर उनको रखने की सारी क्षमता हमारे पास है और इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम लोग निर्यात भी करें दुबई और नेपाल जैसे बड़े देशों में। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीति है वो बेहतर है, पर जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रही है। सजग भी है, संवेदनशील भी है। जहां कहीं किसानों का हित दिखाई पड़ेगा हम वो हर संभव प्रयास करेंगे। जहां कहीं अहित होता किसानों का दिखेगा हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं दुबई गया था। दुबई में भी हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे राज्य का आलू दुनिया के अन्य देशों में जाए और जाने भी लगा है। कई देशों में आलू गया है। ये पहले किसी की सरकारों में नहीं हुआ है कि आलू उत्तर प्रदेश से निर्यात हो। आज की तारीख में आलू है, चिली है, मैंगो है, केला है, ऐसे तमाम फल और सब्जियां जो हैं हम उत्तर प्रदेश की उपज को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों का उचित मूल्य और हमारी सरकार का सम्मान भी बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप उनके जायज नहीं है। राजनीतिक द्वेष बस आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन कोई किसान आज की तारीख में ऐसा नहीं कह रहा है कि हम सरकार से नाउम्मीद हैं। अभी फिलहाल सरकार के पास 2406 कोल्ड स्टोरेज है। एक योजना आई थी, उसके तहत अगर देखा जाए तो ग्रामीण अगर छोड़ दे तो अभी नगर पंचायतों में अगर एक एक कोल्ड स्टोरेज हम लोग बना लेते तो कहीं ना कहीं जो आवागमन की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए टोकन प्रणाली और तमाम चीज़ें समस्याओं का हल हो सकेगा। सरकार इस रूप में कहाँ काम कर रही है? मैंने अभी आपको कहा कि हमने अपनी भंडारण क्षमता को 5 सालों में सवा किया है। तो हमने काम किया है, वो चाहे नगरीय क्षेत्रों में करें। आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण मार्केट वाइज, शहर वाइज, जिला वाइज नहीं किया जाता है। जहां पर आलू उत्पादन होता है वहां पर कोल्ड स्टोरेज की मांग होती है और वहां पर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराए जाते हैं। आप देखेंगे कि कई कई जिले में 50-50, 100-100 कोल्ड स्टोर हैं, कई जिले में 2 कोल्ड स्टोर भी नहीं है। इसका कारण यही है कि वहाँ पर आलू की उपज नहीं है, जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहाँ भी आलू की उत्पादन दिखाई देता है वहाँ कोल्ड स्टोरेज हम लोगों ने बढ़ाए हैं इन 5 सालों में। तो हमारी पहले 130 लाख मेट्रिक टन क्षमता हुआ करती थी 2012 से 2017 के बीच में। 2017 से 2022 के बीच में 162 लाख मेट्रिक टन की क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है।
तो निसंदेह हमारे पास आलू के भंडारण की क्षमता पर्याप्त है। जितना सरकार को उम्मीद है कि इतना आलू की किसानों की उपज हो सकती है, अधिकतम उतनी भंडारण क्षमता उपलब्ध है, और अगर कहीं उससे भी अधिक होता है तो मुझे खुशी होगी कि आलू किसान अपना उत्पादन कर तो रहा है। अगर आलू उत्पादन कर रहा है तो किसान उस तो सरकार उसका प्रबंधन भी करेगी, चाहे वो निर्यात करके कराए, चाहे दुनिया के अन्य मार्केट में आलू भेजे, चाहे भंडारण की क्षमता और बढ़ाए, जो कुछ करना होगा हमारी सरकार करेगी। आखिरी सवाल, नेपाल दुबई के बाद अब और कौन कौन से देशों से हम लोग आलू निर्यात करने वाले हैं? हम तमाम देशों से और उत्तर हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से संपर्क में हैं। हिंदुस्तान के तमाम राज्य हमारे यहाँ आज ई नाम मंडी के माध्यम से पहले केवल राज्य में ही देख पा रहे थे कि कहाँ पर उपज है और उपज की क्वालिटी क्या है। आज हम कंप्यूटर के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से आज कर्नाटक का भी किसान देख पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू कैसा है। तो हमने सुविधाएं तुरंत दी है कि अन्य राज्यों में भी हमारे राज्य का आलू लोग देख सकें और जो उनको अच्छा लगे तो यहाँ से खरीद सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि अन्य देश, जैसे मैंने अभी कहा, 3-4 देशों में हमारा आलू गया है और आने वाले समय में आगरा में कई देशों के बायर्स आ रहे हैं। 3-4 दिन के भीतर ही एक बड़ी बायर सेलर मीट सिर्फ आलू के लिए हमारे यहाँ आयोजित है, जो वहाँ पर आकर के कई देशों के लोग आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में आलू हमारे यहाँ से वो खरीदेंगे। तो ये थे हमारे साथ किसी निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कहना है, सरकार बेहतर काम कर रही है और सरकार की नीतियाँ बेहतर है। आलू पर विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो केवल निराधार है, केवल यहाँ पर छलावा है। जनता जानती है और किसान भी जानते हैं कि सरकार की नीति बहुत अच्छी है और जो भंडारण क्षमता है, यहाँ बात करें चालागत की बात करें, उसकी सरकार हमेशा बेहतर कदम उठा रही है और आने वाले समय में किसानों को जो लाभ देना है वो भी यहाँ पर मिलता रहेगा। कैमरा विजय के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में पराग के नव निर्वाचित संचालक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लखनऊ की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक मंडल सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल हुए। इस दौरान नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में अध्यक्ष और सदस्यों ने संघ में बदलाव और बेहतरी लाने की बात कही। दुग्ध उत्पादन के इतिहास में लखनऊ मंडल में पहली मर्तबा महिला के हाथ दुग्ध उत्पादन संघ की कमान दी गई है। साथ ही प्राइम टीवी टीम से खास बातचीत में कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिखा सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। अभी शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए थे, यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनने आए थे। सर, शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, क्या कहेंगे? मैं सभी निर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका यह सामाजिक जीवन अच्छा रहे, लोगों की सेवा में जिस अपेक्षा के साथ उनका निर्वाचन लोगों ने किया है उनकी कसौटी पर खरे उतरें, जनहित में अच्छे काम करें, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग उनको हमेशा मिलता रहेगा। नई टीम को आप शुभकामना दिए हैं, क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि जनहित में वो जिस आधार पे चुने गए हैं, जिसके लिए चुने गए हैं, उनकी कसौटी पर खरे उतरें, जनता को मजबूत सेवाएं इसके माध्यम से प्रदान करें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नए सदस्यों को शुभकामना देने और साथ ही पराग बूथ में जो नई टीम है उसको आगे ले जाने के लिए हम यहां पहुंचे हुए थे और निश्चित तौर पे नई टीम पराग दुग्ध उत्पादन को आगे ले जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। दुग्ध उत्पादन संघ की पहली अध्यक्ष शिखा सिंह हमारे साथ हैं। मैम, किस क्या लक्ष्य है और क्या लक्ष्य के तहत आप इस संघ को आगे ले जाएंगी? देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि पराग को वापस उसके स्वर्णिम दिनों में लेकर के जाना है। आज पराग की जो भी स्थिति है हम उससे उबर कर बाहर आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से उबर कर बाहर आएंगे और वापस से प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। मैम, पहली अध्यक्ष हैं जो कि महिला के हैं, आप क्या समाज में कहेंगी और क्या संदेश देंगी अन्य महिलाओं को? देखिए, नारी सशक्तिकरण का अपने आप में ही संदेश है और मैं बस यही चाहती हूँ इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लें, आगे आएँ। राजनीति में महिलाएं थोड़ा पीछे रहती हैं, आगे आएँ, बढ़ करके हिस्सेदारी लें क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ों को संभालती हैं
और इसका उदाहरण पराग फिर से प्रस्तुत करेगा। मैम अभी आप सदस्यता ले रही थी, आपका शपथ ले रही थी, तो आपके साथ लंबी तादाद में महिलाएं भी हैं, इसको किस नज़र से देखती है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है इस बोर्ड की कि इस बोर्ड में मतलब 5 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं, तो ये बोर्ड बहुत अच्छा है, ये अपने आप में एक उदाहरण है बराबरी, जेंडर इक्वलिटी को ध्यान देते हुए। बिल्कुल, और वो उसी तरीके से आगे आपको दिखता रहेगा। क्या बदलाव ले आएंगे? बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, पर वो अब आपको देखना पड़ेगा, धीरे धीरे सामने आएगा आपके। तो हमारे साथ दूध संघ की अध्यक्ष, नव निर्वाचित अध्यक्ष शिखा थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम संघ के अंदर में बेहतरी लाएंगे और इसमें निश्चित तौर से बेहतर बदलाव ले आएंगे। कैमरामैन विजय के साथ विभान सुप्रीम टीवी लखनऊ। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।